ये है मैंगो स्माइल चीज। ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अच्छू की मम्मा कहाँ है? हाँ पापा, मम्मा कहाँ है? हाँ। ये देखो इसके नखरे। तो मौसम दिखाती हूँ मैं अभी आपको कैसा हो रखा है। नहीं आ रहा, अभी हो गया। अभी मैंने इसको दवाई दी है, इसने कुछ भी नहीं खाया है। और मैं सोची थोड़ी देर इसको लिटा देती हूँ, सो जाएगा, थोड़ी देर नींद आ जाएगी। तो तब ये डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी, हम भी अच्छे हैं। थोड़े से बच्चों की तबीयत थोड़ा सा, छोटे वाले की थोड़ा ऊपर नीचे है, बट ठीक है। और अभी ये शाम के टाइम का व्लॉग है और क्लिप्स हैं। तो यहाँ पे इसके पापा मटर लेके आए रखे थे, तो मैंने सोचा कि इस मटर को छिल के ना, इसके छिलके गाय के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे अक्षत को मैंने जो होते हैं ना छोटे छोटे से, वो वाले मैंने इसको दे रखे, लेकिन उसने नहीं खाए। हनी आ रहा था बीच बीच में और मुझसे भी लेके जा रहा था, और अक्षत का भी निकाल के लेके जा रहा था। अक्षत यहाँ पे ना वैसे डांस भी कर रहा था, मैंने उसको गढ़वाली गाने लगा के दिए थे। और तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये सारे मटर छिल दिए हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। हनी, आप देख सकते हो हनी तैयार हो रखा है। आज इनका ड्रेस कॉम्पिटिशन है, मैंगो बना हुआ है हनी। बाहर पे खींचोगे फोटो, ठीक है अक्षय? तो यहाँ पे हर किसी ने अपने बच्चे को कुछ ना कुछ बना रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे एक ग्रेप्स का, आप देख रहे हो, पूरा छल्ला जैसे बना रखा है, हाथी से बना रखा है। मतलब किसी पट्टे पे ना बलून्स को फुला के लगा रखा है। और बच्चा छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है सैटरडे, अभी टाइम हो रहा है 10। और आज जैसे कि आपने देखा होगा हनी की थी ड्रेस कॉम्पिटिशन, और उनकी छुट्टी होनी है आज 10:45 पे। तो मैंने कपड़े तो अभी वही है, मुझे नहाना था, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि नहाऊंगी फिर बाल सुखाने हैं, तो इतना टाइम नहीं हो पाएगा। इसको भी सुलाना, इसको लेके नहीं जाऊंगी, और इसलिए इसका हाथ मुँह कुछ भी नहीं धो रखा, हंस रहा है देखो। तो तैयार तो मैं होगी और 10:10 पर इसको सुलाना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि 10:30 तक सो जाए। मत कर गंदा। और आज मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ख़राब, मतलब धूप है ही नहीं, तो मौसम भी चेंज हो रखा है। वैसे मैं सुबह ही नहा जाती, लेकिन सुबह इसके पापा नहाए तो फिर एक बाथरूम है क्या, है ना पापा? तो, हाँ पापा, पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? टिटीट मम्मी कहाँ है? अक्षु की मम्मा कहाँ है? पापा। हाँ पापा, मम्मा कहाँ है? पापा। ये देखो इसके नखरे। ला, 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 ला। तो मौसम दिखाती हूँ मैं अभी आपको कैसा हो रखा है। अभी तो हल्की हल्की सी धूप आ गई है, देखो हल्की धूप है, धूप में कोई गर्मी नहीं है। और इधर ना पूरे बादल लगे हैं, ये देखो इधर की तरफ। तो मौसम कुछ खास नहीं है आज, हल्की धूप है। तो बस चलो अंदर चलते हैं। तो जब हनी लोगों की स्कूल में, हम हनी लोगों को लेने गए, तब उनके स्कूल में ना प्रोग्राम चल रहे थे। छोटे बड़े बच्चे जो थे वो डांस कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स आ जा रहे थे, वो उनको लेके जा रहे थे। मैं म्यूजिक इसलिए नहीं खोल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है वीडियो में। और ये आप देख सकते हो बच्चे ना बहुत ही प्यारा गढ़वाली गाने में डांस कर रहे थे, और रंग बिरंगे आज दिख रहे हैं सारे बच्चे। तो स्कूल से आने के बाद मैं नहा धो के अभी खाना खा के, इतनी ज़्यादा आज ठंड लग रही है। आजा गोद में, आजा आजा। ये देखो ये रोने पर लगा है, परेशान सा हो रहा है।
क्योंकि ना इसको उसी टाइम पे इसका फीवर ठीक हो रहा है, उसी टाइम इसको फीवर चढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अभी मैंने इसको दवाई दी है, इसने कुछ भी नहीं खाया है और मैं सोच रही थोड़ी देर इसको लेटा देती हूँ, सो जाएगा, थोड़ी देर नींद आ जाएगी, तो तब ये है कि थोड़ी देर में मैं इसको खाना खिलाऊँगी। है ठीक है, हम मम करना है नहीं, मना कर रहे हैं। देखो तो कपड़े वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं और एक मशीन ये ऐसी चीज़ें सही करने वाला आया था, तो मैंने दो तीन ना प्रेशर के ढक्कन भी सही करवाए, थोड़ा अजीब सा कर रहा, तो मैं इसको ना सुला देती हूँ थोड़ी देर, ठीक है। चलो चलो थोड़ी देर में बात करूँगी हनी। तो बड़ी मुश्किल से अभी मैंने अक्षत को सुलाया है, पता नहीं सोएगा नहीं सोएगा, तुरंत उठ जा रहा है। उसको ना आज तो कुछ ज़्यादा ही फीवर आ गया, मेरा एक चप्पल मिल नहीं रहा, जूता मिल रहा, तो उसका फेस ऐसा हो गया था अभी बिल्कुल रेड, पता नहीं क्या कैसे वायरल है ये, मतलब बच्चे इतने परेशान हो जा रहे और उसने आज कुछ भी नहीं खा रखा है, इतना ख़तरनाक उसका फेस अभी हो गया था। 2 घंटे करीब हुए मुझे उसको दवाई पिलाई, बट फीवर पहले वो बिल्कुल ठंडा सा हो गया था, उसके हाथ पैर पूरी बॉडी ना उसकी ठंडी पड़ गई थी। फिर अभी थोड़ी देर तो मैंने उसको गोद में रखा, बिस्तर के अंदर रखा, फिर उसका जो अंदर का फीवर वो बाहर निकल गया, तो अभी पूरी बॉडी पूरा फेस उसका ऐसे रेड पड़ा हुआ था जैसे परसों हनी का हुआ था। और उसके बाद ये है कि जब ऐसा हुआ ना उसके मतलब उसी दिन, फिर उसके दूसरे दिन से हनी ठीक हो गया था। बस भगवान से यही दुआ है कि भाई अक्षत भी सही हो जाए, ये फीवर ये जो वायरल है ना ये चले जाए मेरे बच्चे को छोड़ के, बड़े परेशान हो गए। और हनी भी सो गया है, हनी तो कह रहा था कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, बट मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर ले नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। और सुबह भी मैं अक्षत को सुला के गई थी, बट मैं यहाँ पे से निकली तब तक अक्षत आ गया। अक्षत 5-10 मिनट भी नहीं सो पा रहा, या तो फीवर की वजह से, फिर उसकी हैबिट ही वैसे, वो आधा घंटा भी नहीं सो पाता। अभी मैं वहाँ से इधर आ गई तो मुझे ऐसा लग रहा पीछे से कहीं उठ ना जाए, और अगर मैं वहीं पर लेट रहूँगी तब सोए रहेगा, तो बस यही है। और मैंने मीशो से एक जीन्स मंगाई थी, मेरी जो जीन्स हैं वो लूज होने लगी, क्योंकि जो पहले के साइजेज़ हैं वो अब नहीं आ रहे, कुछ लूज हो रही है कुछ टाइट है, बट मैंने एक जीन्स मंगाई है बहुत अच्छी आई है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये आज ही पहुँची है, और आजकल जो फैशन चल रहा है मैं चौड़ी वाली जीन्स का, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आजकल फैशन चेंज हो गया, लड़कियाँ चौड़ी जीन्सें पहन रही और लड़के ने बिल्कुल चूड़ीदार जीन्सें पहन रहे, और सच में ये बात सत्य है। तो ये जीन्स काफ़ी अच्छी मुझे लगी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है मुझे, और अगर आपको भी लेना होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलना, मैं आप लोगों को इस जीन्स का जो कोड होगा वो दे दूँगी, काफ़ी रीज़नेबल रेट है, 624 की ये मुझे पड़ी थी COD में, कैश ऑन डिलीवरी में, बट आप ऑनलाइन पे करोगे तो आपको 600 की ये पड़ जाएगी। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, अभी मैंने वहीं पर रखी क्योंकि अलमारी खोलूँगी तो अक्षत लोग उठ जाएंगे, तो बस कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका, बहुत सॉफ्ट है और काफ़ी स्टाइलिश लग रही है पहनने के बाद। मार्केट जाने का टाइम नहीं हो रहा, और कभी कभार ना मार्केट जाने के लिए पहनना पड़ता है, सूट का झंझट हो जाता है बच्चों के साथ, तो मैं इधर के लिए ज़्यादा मैं जीन्स वगैरह ही वो करती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ये मीशो से मंगाया है, काफ़ी अच्छा है ये। लेना होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझसे इसका कोड मांग सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर थे बट मेरे को ये कलर ठीक लगा, क्योंकि ब्लैक और वाइट क्या कहते हैं उस टाइप का स्काई ब्लू वो मेरे पास थे ही, तो ये मैंने डार्क वाला मंगा रखा है, बट काफ़ी अच्छा है। अक्षत उठी ना, मैं भी चलती हूँ उसके साथ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, मुझे भी ना बहुत ज़्यादा ठंड से महसूस हो रही है, क्योंकि मैं नहाई और वैसे हो गया, फिर काम करने लगी किचन का और कपड़े उपड़े धोना, फिर वैसे हो गया और मुझे भी ठंड से लग रही, तो मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ बच्चे के साथ। अभी भी उठने के लिए ऐसा कर रहा है।